तो हेलो गाइस, स्वागत है आज एक नई वीडियो में। तो आपने थंबनेल देख के तो पता लगा ही लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में। ये वीडियो शादी के बारे में है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की शादी होती है और उनमें अलग अलग तरीके के रिवाज निभाए जाते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ही शादियों के अलग अलग रिवाज, अलग अलग रस्में। अगर आप वीडियो बनाएंगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोज के लिए। तो गाइस, आपने देखा होगा शादियों में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को किस करते हैं फॉरेन की शादियों में। सूडान की शादियों में काफी अलग होता है। सूडान की शादियों में दुल्हन को दूल्हे की तरफ वाले सारे लड़के किस करते हैं और इसमें दूल्हा भी कहां पीछे रहेगा, दूल्हे को भी सारी दुल्हन की तरफ वाली लड़कियां किस करती है। इससे इनका मानना ये है कि दोनों परिवार आपस में एक दूसरे को जान लेते हैं। और अगर ऐसा कुछ अपने इंडिया में होने लगा तो मजा ही आने लग जाएगा। तो बढ़ते हैं नंबर टू की तरफ। तो नंबर टू है फ्रांस की शादियों में। इधर की शादियों में दूल्हा दुल्हन को शादी की पहली रात चॉकलेट खिलाई जाती है और खूब सारी वाइन खिलाई जाती है और खाना भी इन्हें कुछ अलग तरीके से सर्व किया जाता है। खाना इन्हें टॉयलेट के शेप के बर्तनों में सर्व किया जाता है। ओ ये अगर आपको ऐसा मिला तो क्या आप खाएंगे? ये तो फ्रांस के लोग, इधर तो सब फैशन है। तो चलते हैं नंबर थ्री की तरफ। नंबर थ्री होता है जापान में। जापान की शादियों में दूल्हे को दुल्हन तीर से मारती है। आप काफी गलत सोच रहे हो, दूल्हे को दूर खड़ा कर दिया जाता है तब दुल्हन उसे तीर से मारती है, नहीं तो दूल्हा तो पहली रात को ही गायब हो जाएगा। इससे इनका मानना यह है कि इनका रिश्ता लंबे समय तक चलता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।